इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाइन ऐप दैट इज जीरो द ऐप। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो क्वाइन ऐप के थ्रू, तो उसमें आप ई मैंडेट कैसे अप्लाई करोगे। तो होता क्या है, ई मैंडेट जब आपकी जो SIP है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी फ्रॉम योर अकाउंट, तो वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको हर महीने SIP खुद इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से सीधा आप इस जीरोधा की वेबसाइट पर आ जाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, तो आपको एक ऐसा शो हो जाएगा। उसके बाद आप क्वाइन पे क्लिक करो, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है उसको आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। फिर अपना डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। इधर आपकी जो SIP चल रही है वो शो हो जाएगा, आपके पेंडिंग ऑर्डर शो हो जाएंगे, और अगर आप इधर SIP एंड कंडीशंस पे क्लिक करोगे तो आपको जो आपकी दो SIP जितनी भी SIP होंगी एक्टिवेट होंगी वो शो हो जाएंगी आपको। अब हमने क्या करना है, इसको ई मैंडेट करना है। ई मैंडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर कंसोल पे क्लिक करेंगे। कंसोल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऐसा पेज आएगा जिसके ऊपर हम करेंगे क्रिएट न्यू मैंडेट। फिर हमको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करोगे या नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे। फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पढ़ के उसको प्रोसेस कर देना है। फिर आपने ये करना है, अगर आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया तो आपको नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है। फिर आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस मोबाइल के OTP को आपको इधर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको उधर सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल्स आ जाएंगी, मैनेज ID, NPC, रेफरेंस ID जो भी होगा आपको उसको ओके कर देना है। तो आपको जो मैंडेट है वो क्रिएट हो चुका है। अब क्या होगा, इसको इस विंडो को आपने क्लोज कर देना है। अब मैंडेट अप्रूव होने में एटलीस्ट 24 आवर्स लगते हैं, ज़्यादा 36 आवर लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी आपकी जो जो है मैंडेट का। तो जैसे अभी मैंने 2 दिन बाद 1 दिन बाद खोला है अपना मैंडेट, तो मेरा अप्रूव हो चुका है। इधर आपको शो हो जाएगा कि आपने शेड्यूल सेट करना है, मतलब मान लो आपकी 2 SIPs हैं टोटल, अगर एक SIP 1000 की है दूसरी भी 1000 की है, तो टोटल 2000 हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरा हर महीने 2000 डिटक्ट हो जाए, तो मेरे को इधर शेड्यूल क्रिएट करना है। और उस शेड्यूल का मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि म्यूचुअल SIP, उसकी क्रेडिट डेट कौन सी रहेगी वो मैं इधर एंटर कर दूंगा, किस डेट को मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 2000 है वो डिडक्ट हो जाए, कैसे डिडक्ट होगा, मंथली होगा, वीकली होगा, अमाउंट कितनी होगी। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरी 2000 डिडक्ट हो जाए, तो मैं क्रिएट शेड्यूल पे क्लिक कर दूंगा। क्रिएट शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपका जो मैंडेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, इधर आपको शो हो जाएगा कि आपके जो म्यूचुअल फंड की SIP है इतनी तारीख को डिडक्ट होगी, मंथली डिडक्ट होगी और अमाउंट 2000 है। तो ऐसे हम अपना मैंडेट क्रिएट करते हैं, ई मैंडेट बोलते हैं जिसको, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारी मंथली SIP होती है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। तो अगर आपने अभी भी अपना जीरोधा में अकाउंट नहीं खुलवाया, आपने इन्वेस्टिंग नहीं शुरू करी है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक से क्लिक करके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, और क्वाइन ऐप और क्वाइट ऐप का यूज़ करके आप म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो।